अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक फंक्शन को डिफरेंशियबल शो करने का क्या तरीका है। इससे रिलेटेड एक की पॉइंट है जो कि मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फंक्शन को हम डिफरेंशियबल कहेंगे इस पॉइंट ए के ऊपर अगर ये राइट हैंड साइड वाली लिमिट एग्जिस्ट करे। और लिमिट के एग्जिस्ट करने से यहाँ मतलब है कि हमारे पास आंसर जो है वो एक यूनिक रियल नंबर आए, और अगर आंसर एक यूनिक रियल नंबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा इस पॉइंट ए के ऊपर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। पहला फंक्शन हम ले रहे हैं f(x) = x। ये हमने डेरिवेटिव की दोबारा डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब आप ये वैल्यूज फाइंड करेंगे कि व्हाट इज एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एच और एफ ऑफ ए आ जाएगा ए, क्योंकि फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं ऊपर वाली डेफिनेशन में। ए प्लस एच माइनस ए ओवर एच, ए से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एच बाय एच इक्वल टू वन। तो इस केस में हमारे पास लिमिट का जो आंसर आ रहा है वो सिर्फ एक वैल्यू है और वो है वन, तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है वो एक डिफरेंशियबल फंक्शन हो गया एट एक्स इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है उसमें हम चेक कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्या ये डिफरेंशियबल फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो या नहीं। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन में हमने ए को जीरो के इक्वल ले लिया तो हमारे पास बन गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय h। अब हमें f ऑफ 0 प्लस h और f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी होगी इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए। तो हमारे पास f ऑफ 0 प्लस h आ जाएगा 0 प्लस h मॉड, और इसको आप लिख सकते हैं h मॉड। f ऑफ 0 जो है वो आ जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ 0, और हमें पता है मॉड ऑफ 0 0 के इक्वल। अब ये जो वैल्यूज़ हमें मिली हैं एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच और एफ ऑफ ज़ीरो की, ये हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ एच माइनस ज़ीरो ओवर एच। इसको हम सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो मॉड ऑफ एच ओवर एच। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो केसेस होंगे कि एच अगर तो पॉजिटिव रियल नंबर है तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एच बाय एच, एच से कैंसिल होके आंसर आ जाएगा। और अगर एच नेगेटिव रियल नंबर है तो फिर हमारे पास एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो माइनस एच ओवर एच, एच एच को कैंसिल करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास लिमिट की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस वन, इसका मतलब हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एक नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, तो की पॉइंट यहाँ पे ये है कि कंटिन्यूटी जो है वो एक
लाजमी कंडीशन है डिफरेंशियबिलिटी के लिए। तो अगर आपको एक डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन दिया जाता है तो आप फिर आप उसको डिफरेंशियबिलिटी उसकी आप नहीं चेक करेंगे, आप डायरेक्ट लिख देंगे कि ये फंक्शन क्योंकि डिसकॉन्टीन्यूअस है तो ये डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। तो इसमें आप पहला स्टेप, अगर आपको कहा जाता है कि फंक्शन को डिफरेंशियबल शो करें, तो सबसे पहले आप मेक श्योर कर रहे हैं कि वो फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ होगा। अगर वो कॉन्टीन्यूज़ है तो फिर आप उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लें, अगर वो डिसकॉन्टीन्यूज़ है तो आप वहीं पे उसको ख़त्म कर दें कि ये डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो देखने का शुक्रिया।